मैं तुम्हें असली चीज बताता हूं। देखो 15 साल, रुक जा, इमोशनल म्यूजिक की जरूरत है भाई इस पे, तो सैड म्यूजिक चाहिए, ये नहीं। 15 साल गाइस, 15 साल से मैं उस घर में रह रहा था, और पिछले 10 साल से कॉलेज खत्म हुए मेरे भाई, नहीं 10 साल तो नहीं हुए मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था मेरा 2013 में, और 2024 है, तो उसके बाद मैं 4 साल हॉस्टल में, 17 में वापस एंड में घर आ गया था, तो फिर भी अगर मैं लगाऊं तो 6-7 साल से मैं उस कमरे में, मेरे उस घर के कमरे में हूं बस, तुम समझ रहे हो। एंड अब वहां से निकल के इस नए घर में आ जाना, एक बिल्कुल ही नया सेटअप, एक नई चीज, बिल्कुल ही सब कुछ, इवन दो मैंने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब तुम सेटअप टूर वाली वीडियो देखोगे, मैंने हर एक चीज सेम टू सेम जैसे पहले सेटअप पे थी वैसे ही रखने की कोशिश करी है, पर वो अभी मैं नहीं बोलूंगा, वो तुम सेटअप में देखना वीडियो में, बट स्टिल हग्गू था इधर, क्या है ये, कभी नहीं जाएगा, ओह माय गॉड, ये हमेशा साथ रहेगा। मजाक से हटके भाई एक्टिंग करते करते मैं सच में इमोशनल ना हो जाऊं। इससे तो, तुझे याद रहेगा कि हकते रहना है। यस, ये तो मेरा वो है, वो नींबू मिर्च नहीं, नींबू मिर्च नहीं, एक वो होता है ना, तुम्हारा खुद का रिप्रेजेंटेशन है, औलाद, जैसे बोलते हैं ना औलाद अपने माँ बाप की वो होती है, ये मेरी वो है कि हगना नहीं भूलना बेटा। बट ऑन अ सीरियस नोट, लाइक 15 years व्हेन यू स्टे इन वन प्लेस, एंड 7 years मैं बहुत ज्यादा आउटगोइंग नहीं हूँ, तो मैं ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ, मेरे को अपना कमरे में रहना, अपने कमरे में गेमें खेलना, उसी में वीडियो बना ली, ये वो करना, दैट इज व्हाट आई एंजॉय ऑल्सो। अब इतने साल से उस जगह पे यूज टू हो जाने के बाद फाइनली जब इस तुम न्यू प्लेस पे आते हो तो अडाप्ट कर, मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा मेरे को होगा, लेकिन अडाप्ट करने में मेरे को भी भाई भाई सैड म्यूजिक भी एकदम बिल्कुल टाइमिंग पे हिट कर रहा है मुझे भी थोड़ा सा तो ट्रस्ट मी फील हुआ पहले। दिस इज द आई थिंक 6th day मेरे को अब इस घर में होने वाला है, एंड आज कल मैंने रात को अपनी सेटअप टूर वाली वीडियो रिकॉर्ड करी है, एंड आज मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। 6 दिन से मैं कुछ भी ना रिकॉर्ड करने के मूड में हूँ, ना ऐसा कुछ भी हो, ऐसा एक वो होता है ना, बड़ा मौसम चेंज होता है तो कैसा डाउन सा फील होता है, या तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, वैसा वाला तबीयत भी सैडली पहले दिन आया तो हेडेक हो गया इतना बुरी तरीके से, उसके अगले ही दिन बैक में इतनी पेन होने लग गई, 2 दिन तो ऐसा लग रहा था बस उठ ही नहीं पाऊंगा बेड से, इतनी दर्द थी, तो बॉडी भी रिएक्ट कर गई भाई कि भाई इट्स अ न्यू प्लेस, बट ऑब्वियसली यार यू हैव टू मूव ऑन नई जगह पे भाई। ये एक तो सैड म्यूजिक क्यों लगा लिया मैंने, गलती कर दी भाई, ये तो और ज्यादा सैड बना रहा, बिल्कुल पॉइंट पे, ऐसा टू द पॉइंट चल रहा है बीट के साथ, तो हाँ मतलब थोड़ा सा मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसा फील होगा, बट हाँ थोड़ा सा नई जगह कि हाँ हम फाइनली अब इस जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। इवन दो अच्छी बात यह है कि तुम्हारा भाई बार बार उधर भी जाता रहेगा, तो मेरा प्लान ये है, बहुत सॉलिड प्लान है मेरा, कि अब थोड़ा फास्ट वाला म्यूजिक लगा देते हैं, तो भाई का प्लान ये है कि भाई ऐसे लगा लो 2 हफ्ते की वीडियोस इस सेटअप से, फिर 2 हफ्ते की वीडियोस उस सेटअप से, तो यस वो वाले सेटअप से वीडियोस बनाना बंद नहीं करने वाला मैं, यस आती रहेंगी वहां से वीडियोस, तो हाँ। और फिर मैंने ना, तुम लोगों ने ऐसे वो रीले वगैरह तुम बनाते हो ना, कि देखता हूँ मैं रील वगैरह तो काफी ज्यादा, जो तुम स्टोरी वगैरह में भी टैग करते हो उसमें काफी सारे लोगों ने ऐसा रील वगैरह बना रखी होती है, न्यू इज ओके बट ओल्ड इज गोल्ड, ब्रो तुम लोगों के लिए इट्स जस्ट ए रील, मेरे लिए I have been in that place for so long. वो रील्स देखने के बाद मैं वैसे ये फील कर रहा हूँ कि यार नई जगह है, नई जगह, वो रील्स देखने के बाद मेरे को इतनी बीटी हुई है ना, मैं मतलब तुम लोगों ने तो ऑब्वियसली बहुत प्यार से अच्छी अच्छी प्यारी रील्स बनाई है, बट एक पर्सनली एक वो होता है ना कि मेरे को देख के ऐसा लग रहा है यार
पुराना सेटअप भाई, ऐसे मत बोलो, मैं ऑलरेडी उसको बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हारी वो ऐसी रीले देख के, मैं क्या करूँ, मैं रो दू क्या अब? हाँ तो यार इमो नहीं करना था मेरे को तुम्हें, स्किप पैड लिख रहा है कोई। एंड वन मोर थिंग, ऑब्वियसली चेंज इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, ये बात याद रखना। अभी तुम जो पिछला सेटअप है उसको देख के बोलोगे, ये नए वाले को देख के बोलोगे भाई पुराना सेटअप पुराना सेटअप। वो वाले सेटअप से पहले भी मैं किस सेटअप पे वीडियोस बनाता था तुम्हें याद भी नहीं है शायद अब तो। अब जब थोड़े टाइम तक मैं इस पे बनाने लग जाऊंगा फिर तुम्हें शायद वो भी नहीं याद रहेगा, बट मैं तो वहां से भी वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि यू नो वैरायटी मिलती रहे। हाँ बस, स्किप पैड क्यों लिख रहे हो भाई यार? मैं तो बस एंटी बातें बोल देता हूँ कभी कभार। पीसी दिख रहा है? हाँ वो थोड़ा सा।